द्वितीय वर्ष संस्कृत सेकंड पेपर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम आश्रम व्यवस्था देख रहे थे और ब्रह्मचर्य आश्रम का मैंने संक्षेप में आपको परिचय दिया था। चार आश्रमों में से तीसरा जो आश्रम है वह वानप्रस्थ आश्रम। मनुष्य के जीवन की आदर्श आयु ऋषि मुनियों ने 100 वर्षों की मानी और इसीलिए शतायु होने का जीवेम शरदः शतम इत्यादि उल्लेख में प्राप्त होते हैं शास्त्रों में। 100 वर्षों तक जिए ऐसी कामना करते हैं, किसी को शतायु होने का आशीर्वाद देते हैं कि 100 वर्षों तक जियो इत्यादि। तो 100 वर्षों की मानव जीवन की आयु निर्धारित की ऋषि मुनियों ने। उसके आधार पर जब 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है और मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को बिता लेता है, गार्हस्थ्य आश्रम के पश्चात तृतीय आश्रम प्रारंभ होता है, वह जीवन का उत्तरार्ध होता है। वैसे सामान्यतः हम देखेंगे 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम की आयु मानी जाती है। देखिए वस्तुतः आश्रम व्यवस्था जो है ये ऋषियों की इतनी वैज्ञानिक कल्पना और इतना वैज्ञानिक विभाजन है, ये इसमें व्यक्तित्व का विकास क्रमशः मनुष्य के जीवन का होता है और ये पुरुषार्थों से भी जुड़ा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें से मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। धर्म अर्थ और काम इनके आचरण द्वारा मनुष्य अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर अग्रसर होता है होना चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है मनुष्य के व्यक्तित्व के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नयन की दृष्टि से वानप्रस्थ आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण। गार्हस्थ्य आश्रम में आपने सारे सांसारिक दायित्वों का कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया, जो पंच ऋण जिसका मैंने संकेत किया था पूर्व कक्षा में, पंच ऋणों से पूर्ण होने का प्रयास भी मनुष्य ने कर लिया गार्हस्थ्य आश्रम में। देव ऋषि अतिथि पितृ ऋषि इन ऋणों से मुक्ति का प्रयास भी गार्हस्थ्य आश्रम में दाम्पत्य जीवन को बिताते हुए गृहस्थ ने किया। उसके बाद सांसारिक या भौतिक उन्नयन के पश्चात, जीवन के भौतिक पक्ष के उन्नयन के पश्चात वस्तुतः आध्यात्मिक उन्नयन का क्रम प्रारंभ होता है। और इसके लिए देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग वर्णित किया है कि महाराज दशरथ स्नान करने के पश्चात दर्पण के सामने अपने केश की सज्जा करने के लिए, बाल संवारने के लिए खड़े होते हैं और उन्हें अपनी केश राशि में एक श्वेत केश दृष्टिगोचर होता है, एक सफेद बाल उन्हें दर्पण में दिखता है। तो उनके मन में ये विचार आता है कि अब मुझे वानप्रस्थ हो जाने का यह संकेत है और राज्यभार अब मुझे
अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के कंधों पर डाल देना चाहिए और मुझे वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। अब ये जो पब्लिक लाइफ है, जिसको सक्रिय जीवन कहते हैं, जो गारहस्थ्य आश्रम में होता है, उससे मुझे विरत हो जाना चाहिए और राज्य कार्य का भार श्री राम के कंधों पर डाल देना चाहिए। ये संकेत गोस्वामी जी ने भी किया है, अर्थात प्राचीन काल से हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जब पुत्र दायित्वों के निर्वाह के योग्य हो जाए, जब आपकी संतान, किसी गृहस्थ की संतान अपने सांसारिक दायित्वों के, गार्हस्थ्य आश्रम के दायित्वों को निर्वाह करने के लिए योग्य हो जाए, समर्थ हो जाए, तो पिता को चाहिए कि गृहस्थी का भार अपने पुत्र के कंधों पर डाल दें और स्वयं वानप्रस्थी हो जाए। अब ये वानप्रस्थी होने का अर्थ क्या है? दो शब्द इसमें स्पष्ट दिख रहे हैं, वन और प्रस्थ, यानी प्रस्थान। वन में प्रस्थान कर जाए, वन में प्रस्थान का शाब्दिक अर्थ न लेकर यह समझा जाए कि जो सक्रिय सामाजिक जीवन है गृहस्थ का, उससे विरत हो जाएं और अपने घर परिवार, सगे संबंधियों, पुत्र पोत्रादि के मोह से मुक्त हो और समाज को और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों को अपना मान लेने का समय वानप्रस्थ आश्रम ही होता है। इसमें व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्रों में जो बताया गया है कि अगर व्यक्ति चाहे तो सपत्नीक भी प्रस्थान कर सकता है, यानी पत्नी के साथ भी निकल सकता है घर से, अथवा एकाकी रूप में भी गार्हस्थ्य आश्रम से वह बाहर जा सकता है। इस आश्रम में मनुष्य के पास अपने चारित्रिक उत्थान, अपने आध्यात्मिक विकास और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, उसके संवर्धन, उसके प्रचार का यही समय ऋषि मुनियों ने बताया है। वानप्रस्थी को चाहिए कि वो अपने गार्हस्थ्य के बंधनों से मुक्त होकर के और समाज सेवा में, जन कल्याण में, विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के और अपना जीवन यापन करे, अपने प्रति उसका कोई मोह न रह जाए, उसको अपना विगत जीवन आकर्षित न करे। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में वानप्रस्थियों के लिए की गई है। उसका आहार व्यवहार संयमित हो जाए, ज्ञान अगर उसके पास है और वह शरीर से स्वस्थ है, स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि जो स्वस्थ ना हो वो घर में ही रहकर आत्मकल्याण का चिंतन करें, लेकिन जो शरीर से स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। शरीर से अगर वह स्वस्थ है व्यक्ति, तो समाज में यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर धर्म का, आध्यात्मिकता का, नीति का सदुपदेश करे, सत्संगति में रहे, लोगों को इसके लिए प्रेरित करे और समाज में सर्वत्र आध्यात्मिकता के उत्थान में अपना योगदान दे, ये वानप्रस्थ आश्रम का संक्षेप में दायित्व ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है।
आश्रम जो तृतीय आश्रम है और व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया।